नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है माता रानी का सातवां नवरात्रा और इस नवरात्रि पर यानी कि सातवें नवरात्रि माता रानी के काल रात्रि रूप की जो पूजा अर्चना की जाती है, माता रानी की भक्ति की जाती है, उपासना की जाती है, अर्चना की जाती है। तो जो माता रानी का स्वरूप है बहुत ही भयंकर है, बहुत ही डरावना है। तो लेकिन माता रानी का जो ये रूप है भयंकर होने के कारण माता रानी को शुभंकरी भी कहा जाता है। लेकिन ये जो माता रानी है यानी कि जो कालरात्रि है, जो शुभंकरी माता है, ये सदैव अपने भक्तों का, अपने बच्चों का शुभ करने वाली होती है। तो जो सभी ग्रह होते हैं यानी कि जो खास तौर पे शनि ग्रह होता है, माँ कालरात्रि उसको नियंत्रित करके रखती है। अगर हम माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे सभी ग्रह ठीक रहते हैं यानी कि सही से काम करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होता है, परोपकार, सेवा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। तो जब सहस्त्रार चक्र हमारा जागृत होता है तो हमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ यानी कि जो सारी ऊर्जा है वो हमें मिलने लग जाती है। क्योंकि सहस्त्रार चक्र तक जब हम पहुँचते हैं तो उस वक्त तक हम अपने विकारों को दूर कर चुके होते हैं, हम आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण कर चुके होते हैं और हम पूरी तरह से भक्ति में लग चुके होते हैं, ध्यान में जा चुके होते हैं और हमेशा दूसरों की सेवा, परोपकार, दूसरों का सम्मान, जितने भी हमारे अंदर विकार हैं उन सबको हम त्याग चुके होते हैं, तब कहीं जाकर हम सहस्त्रार चक्र तक पहुँचते हैं। तो जी, आज की वीडियो में जो मैंने पूजा आरती पहले ही कर ली, लेकिन जो शुभंकरी माता के बारे में आपको अब बता रही हूँ यानी कि कालरात्रि माता के बारे में मैंने आपको सारा बताया कि तो इनकी पूजा करने से हमारा सहस्त्रार चक्र खुलता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें मिलने लग जाती है। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम दूसरों को भी हील यानी कि दूसरों को भी जो भी बीमारी है उसको ठीक करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये है सहस्त्रार चक्र के फायदे। जितने भी हमारे शरीर में चक्र है खुलते हैं तो जिसका फायदा हमें भी होता है, दूसरों को भी होता है। क्योंकि हम अपने आसपास एक ऐसी ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं कि जो ना चाहते हुए भी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बीमार है या परेशानी में है, टेंशन में है, अगर हम उसके पास से भी निकल जाते हैं तो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, अगर उसको छू कर जाती है तो वो व्यक्ति भी अपने आप ठीक हो जाता है। तो क्यों ना ये सब चीज़ें करी जाए, क्यों ना भक्ति, ध्यान, मेडिटेशन, चक्रों पर ध्यान दिया जाए, कर्मों पर ध्यान दिया जाए, जिसके साथ साथ हमारा उद्धार तो होगा ही होगा। अगर हम किसी के पास से भी गुजर जाएंगे तो उसका भी उद्धार अपने आप हो जाएगा यानी कि उसको भी वो ऊर्जा मिलने लग जाएगी। तो ये है चक्रों के फायदे और खुद के विकारों को दूर करने के फायदे कि विकार दूर होते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है, ऊर्जा आती है तो जो हमारा आभा मंडल है वो स्ट्रोंग होता है यानी कि हमारा ओरा स्ट्रोंग होता है, जिसका हमें फायदा तो होता ही होता है, दूसरों को भी फायदा होता है। तो जी, आज सप्तमी सातवां नवरात्र है तो कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे, कुछ लोग करेंगे नवमी को कन्या पूजन। तो आज की जो वीडियो विशेष इसलिए भी है क्योंकि जो लोग अष्टमी का व्रत अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे तो सप्तमी का व्रत भी जिन्होंने पूरा व्रत नहीं किए यानी कि पूरे नौ के नौ नवरात्रि नहीं किए तो वो लास्ट के दो नवरात्रि किए होंगे, छठा और सातवां, या घर में अगर पति पत्नी है तो दोनों ने मिलके सातवां नवरात्रा कर लिया होगा तो अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। कुछ लोगों को नवमी को भी कन्या पूजन किया जाता है। तो जो अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे उन्हें, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा नज़रिया है, जो ये चौकी वगैरह हटाएंगे, जिन्होंने माता रानी के पास जो भी सामान रखा है वो पूरे नौ दिन पूजा करें, उसके बाद दशमी तिथि को सुबह के समय पूजा अर्चना करके फिर ये सारा सामान उठाएं और फूल हैं या जो भी सामान होता है इन्हें आप किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। जो हमारे परंपरा है, जो नारियल है, इसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, सभी को देते हैं।
तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम ये नहीं खाया जाता, तो जी अगर हम इसे मंदिर में भी चढ़ा कर आएंगे तो मंदिर वाले भी प्रसाद के रूप में लौटा कर हमें ही दे देंगे, तो इसका हम प्रसाद बनाते हैं। कलश में जो जल होगा इस जल को हम घर के एक एक कोने में छिड़केंगे, सिर्फ बाथरूम को छोड़कर, बाकी का बचा हुआ पानी हम डाल देंगे पौधों में। अगर हमने जैसे इस माता रानी के नीचे जो चावल है, कलश के नीचे जो चावल है, ये चावल भी हम पक्षियों को डाल देंगे, उन चावलों को पक्षी खा लेंगे। फूल, धूप, लौंग या जो भी यहाँ और सामान है उन सामान को हम कच्ची मिट्टी में दबा देंगे। जो श्रृंगार का सामान है ये हम बांट देंगे किसी को भी, जैसे सुहागन है आपके घर में आपकी हेल्पर आती है उसे भी दे देंगे, ये सारा सामान बांट कर दे देंगे। और इनमें से कुछ सामान आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़ कर लें, जैसे मेहंदी है, काजल है, जो भी है। अगर आपने मेहंदी की कीप भी रखी है तो जब आप कन्या पूजन करेंगे आपके घर में जो कन्या आएंगी उनके आप हाथों में जो मेहंदी है थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दें तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो जो नवमी को कन्या पूजन करेंगे तो वो भी दशमी को ही जो चौकी हटाएंगे या माता रानी का जो भी सामान है हटाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अष्टमी और नवमी को जो कन्या पूजन करेंगे मेरे नज़रिए से उन्हें चौकी और चौकी का सामान दशमी तिथि को ही उठाना चाहिए। तो जैसे हमारे नवमी कन्या पूजन होता है तो मैं नवमी के दिन भी व्रत ही करूँगी, दशमी तिथि को मैं अपने व्रत का पारण करूँगी, क्योंकि नौ माता होती है तो नौ के दो नौ दिन व्रत रखने ही रखने हैं। हाँ, जो कन्या पूजन है वो कर लूँगी, जो प्रसाद है वो मैं बांट दूँगी, लेकिन जो व्रत का पारण है मैं दशमी तिथि को ही करूँगी। थोड़ा सा जो भी हलवा पूरी खीर पूरी बनाया और अपना भोग लगाया उसके बाद खुद खा लिया, तो ये मेरा नियम होता है हर साल, तो मैं यही करूँगी। तो दशमी तिथि को ही आप चौकी हटाएं, चाहे आपने अष्टमी को कन्या पूजन किया है चाहे आपको नवमी को कन्या पूजन किया है, क्योंकि नौ के नौ नराते हैं, नौ माता नौ के नौ दिन हमारे घर में विराजमान होती है, तो हमें नौ के नौ दिन सभी माताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो फिर अब ले लेते हैं आपके अगर एक दो कोई सवाल होंगे तो आपके जो सवालों का जवाब है दे दिया जाएगा। तो जी पहला सवाल है ब्लॉगर का कि उन्होंने बोला कि नौ दिन पूजा किया है, अन्न का सेवन किया है और कलश भी स्थापना किया है, दोष तो नहीं लगेगा राधे राधे। तो जी ऐसा कुछ नहीं है दोष लगेगा, लेकिन हाँ कहा जाता है कि जब हम नवरात्रि करते हैं तो अन्न का सेवन नहीं किया जाता, तो धार्मिक दृष्टि से अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, या अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन नवरात्रों में जो मौसम है काफ़ी चेंज हो रहा होता है, कभी गर्मी कभी ठंड का एहसास होता है, तो जो अन्न का सेवन होता है वो हमें शारीरिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाता है। तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन, हल्का भोजन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। तो इसमें भी कोई बात नहीं, अगर आपने नौ दिन अन्न का सेवन किया है तो हो सकता है माता रानी की यही इच्छा होगी। तो आपने बोला कि दोष तो नहीं लगेगा, तो जी दोष नहीं लगता, दोष सिर्फ लगता है दूसरों की बुराई करने में, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष घृणा करने में, दूसरे का बुरा सोचने में दोष लगता है, तो बाकी किसी चीज़ में दोष नहीं लगता। फिर सवाल है ब्लॉगर का है कि अगर दोपहर की पूजा करने से, यानी कि पूजा करने से होगा, अगर राहु काल में गलती करके भी पूजा करे तो क्या शुभ होगा। तो जी एक तरफ आप बोल रहे हो कि पूजा, एक तरफ बोल रहे हो राहु काल, तो जी इतना ध्यान कोई नहीं देता कि अगर पूजा कर रहे तो राहु काल चल रहा है, तो जो होता है हरी इच्छा से होता है, और कभी भी भगवान अपने बच्चों का, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं। फिर सवाल है कान्हा की कि आप वैशाख मास के नियम के बारे में बताएं। तो जी बिल्कुल, आपको अब वैशाख मास के नियमों की वीडियो या तो कल मिल जाएगी या नवमी के बाद आपको वैशाख के महीने की ही वीडियो मिलेगी, उसमें आपको पूरे विस्तार से बताया जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए वैशाख के महीने में, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है कप्तान सिंह का कि मैम हमारी अखंड ज्योत खंडित हो गई तो अब मैं क्या करूं। तो जी कोई बात नहीं, अगर खंडित हो गई तो ज्योत है, कभी खंडित हो भी जाती है, तो इसमें इतना दिमाग मत लगाएं कि अशुभ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सवाल है मोनी शर्मा का कि मुझे आपसे ये जानना था कि हम जो भी विग्रह लाते हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, क्या ये जरूरी है। तो जी प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को पहले से चैनल पर दी हुई है
कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। अगर आपने प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी तो आपको एक अलग से वीडियो फिर से मिल जाएगी, क्योंकि जो नए नए सब्सक्राइबर मेरे आ रहे हैं, नए नए परिवार के जो मेरे सदस्य आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता। तो जी फिर भी सिंपल साधारण तरीके से बता देती हूँ कि अगर आप राधा कृष्ण की और बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो पंचामृत से उन्हें स्नान करवा कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद आप जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो जी ये थे आप लोगों के सवाल के जवाब, एक दो ही थे, और थोड़ा मैंने आपको ये बताया कि आपको ये चौकी और ये जो चौकी का सामान कब उठाना है, कब क्या करना है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। तो आगे आगे आप लोगों को और कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे बताते रहें, क्योंकि आप लोग मुझसे बोल रहे कि मैम मेडिटेशन पर ध्यान पर वीडियो बनाएं। तो जी बिल्कुल आगे आगे आपको वीडियो मिलनी शुरू होगी ही होगी, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी बदलाव आए हैं ध्यान करने से, तो मैं आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें और बताते रहें आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, और हेमा शर्मा चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्ण।